जी नमस्कार दोस्तों, बीटीएसी एनम 10709 पदों पर पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है कि पदों पर नियुक्ति हेतु रोक लग गई है। कोर्ट ने सरकार को कहा है, क्या कहा है इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। अब अंकों पे बहाली होने की सूचना मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब पटना हाई कोर्ट का जो पहले का जो रिजल्ट आया था, कहा गया कि अंकों के बहाली पे सबकी नियुक्ति होगी एनम के पदों पर। इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जी पटना हाई कोर्ट का यही फैसला आया था कि आज के पेपर में ये बहुत बड़ी अपडेट आई है कि सुनवाई आज किया गया कि अंकों की बजाय लिखित परीक्षा पर बहाली का मामला सामने आया है। ये पेपर के हेडिंग में दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान के पेपर में आप जाओगे तो ये कटिंग आपको मिल जाएगी। एनम परीक्षा परिणाम पर फिलहाल लगी रोक, ये पटना हाई कोर्ट का फैसला था, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने पहले ही सूचना दे दी थी कि अंकों के बहाली पर सबकी नियुक्ति एनम की पदों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर से आप एलपीए जो किया गया था कि हाँ, उसकी सुनवाई के आधार पर ये रिजल्ट आई थी, उसका भी वीडियो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। मैं वहां भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर दिया हुआ कि एनम के 10709 पदों पर बहाली फिलहाल अटक गई है। हाई कोर्ट ने सरकार को एनम की नियुक्ति पर रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने गत 1 मार्च को लिखित परीक्षा का जगह अंकों के आधार पर एनम की बहाली का आदेश दिया था। इस आदेश की वैधता को राज्य सरकार ने अपील दायर कर चुनौती दी है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर आधा दर्जन अपील पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल रिजल्ट जारी करने से सरकार को मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग में जो आदेश जो दिया था सरकार ने पहले के आदेश में, उसकी तो सुनवाई तो कर ही दिए थे कि अंकों के आधार पर ये नियुक्ति होगी, लेकिन फिर से ये अपील किया गया था। फिर अपील करने के बाद यहाँ पे सुनवाई हुई थी कि सरकार ने बीटीएसी एनएम 10709 की जो नियुक्ति होने वाली थी उस पर फिलहाल रोक लग गई है। और दूसरी बात रहा कि यहाँ पे गौतम के 1 मार्च को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 10709 एनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने का आदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, पहले की सुनवाई में भी ये कहा था कि 10709 की बहाली जो है वो अंकों के आधार पर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अपने 69 पन्नों के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के नोटिस 19 सितंबर 2023 को निरस्त करते हुए कहा था कि एनएम की बहाली बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एनएम के कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी। इसमें तो साफ कह दिया था कि नियमावली 2018 के तहत अंकों की बहाली पेड़ होगी, जिसका अंक एनएम में जितनी अंक 60% आई थी उसके आधार पर सभी की नियुक्ति हो, वो तो साफ किया था। इसका वीडियो भी बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ, वहां भी आप देख सकते हो। यहाँ पे सभी बहाली के लिए 2022 में निकला था विज्ञापन। सही बात है, 2022 में भी निकला था विज्ञापन जो उसका बनाया गया था। फिलहाल तो ये हिंदुस्तान के पेपर में सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर लिखी आई है कि अंकों के बजाय लिखित परीक्षा पर बहाली का मामला जो सामने आया था, जो फिलहाल पटना हाई कोर्ट की तरफ से रोक लग गई है। अब बीटीएससी अब नोटिफिकेशन निकालती है क्या नहीं निकालती है, इस विषय पर हम तो नेक्स्ट वीडियो के बाद ये चर्चा करेंगे। फिलहाल तो ये आया हुआ है कि 10709 पदों पर नियुक्ति के लिए 1 मार्च को ही थी लिखित परीक्षा, लेकिन नहीं हो पाया। कोर्ट ने सरकार को रिजल्ट जारी करने से मना कर दिया है कि रिजल्ट जारी नहीं करें, अब अंकों के बहाली पर ये होगी। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस सभी लाखों भर्तियों पर शेयर करें, सबसे ज्यादा कि सभी को जानकारी ये मिले कि अब लाखों भर्तियों को अब अंकों के बहाली पर नियुक्ति होगी। फिलहाल दोस्तों, विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।